राधे राधे भाई सभी को और बबीता ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी भगवानों की ग्रंथों की किस कौन कौन सी मतलब मेरे पास किताबें हैं और कौन कौन सी आपने अपने घर में रखनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार मैं आपको सब कुछ बता दूँ कि भाई मेरे पास कौन कौन सी है और आप लोगों के पास कौन कौन सी है, आप भी मुझे ज़रूर बताना। देखो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यह है श्री कृष्णा, इसमें 90 अध्याय हैं और ये भगवान कृष्ण की मतलब लीलाएं हैं इसके अंदर। और मैं ये पूरी कई बारी मतलब पढ़ चुकी हूँ मैं, तो आप लोग इस पर भी अपने घर पे रख सकते हैं भगवान कृष्ण की किताबें और आप इसे पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़वा सकते हैं। और ये देखो ये है मेरे पास गीता, जो कि हमें मतलब जैसे वो आते नहीं है नवरात्रे हों या फिर अमावस्या आती है जो पितरों के दिन होते हैं उस दिन भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 18 अध्याय हैं और ये छोटी भगवत गीता है जिसमें सिर्फ 18 ही अध्याय हैं। और दिखाऊं मैं आपको एक ये है श्री भगवत गीता, वो खाली ये खाली मतलब 18 अध्याय की है और ये पूरी गीता है ये भी छोटी, इससे भी बड़ी भी आती है लेकिन ये मेरे पास छोटी है। इसमें सारे इसमें सब कुछ है इसमें भी, तो आप ये भी रख सकते हो अपने घर पर। और दिखाऊं मैं आपको एक भगवत गीता मेरे पास ये भी है, मेरे पास दो हैं बल्कि दो रखी है मेरे पास। और दिखा दूं मैं आपको ये देखो सबसे मेन सुंदरकांड तो आपके घर में बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए हनुमान जी की, क्योंकि बच्चों को हम बताते हैं कि भाई सुंदरकांड और ये हनुमान चालीसा, खासकर लड़कों को हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ानी चाहिए। और मेरे पास ये भी रखी है घर पर थी और मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं। और ये देखो मैं ये लेके आई थी जी, ये तुलसी विवाह, जब कार्तिक का महीना होता है तो तुलसी विवाह जब करते हैं मतलब, तो उसमें ये कार्तिक के महीने में पढ़ी जाती है। ये भी मेरे पास किताब है और मैंने वैभव लक्ष्मी के भी व्रत किए थे तो मेरे पास वैभव लक्ष्मी की भी किताब है। और सबसे अच्छी ये देखिए विष्णु सहस्त्र, ये भी मेरे पास है। तकरीबन आपको मेरी पास सारी ही किताब मिलेंगी। और ये देखो ये भगवान शंकर की, जो कि काशी से आई हुई है, ये भी मेरे पास है। और ये मेरे ठाकुर जी के, इसमें देखो ये इसमें भजन है भगवान कृष्ण के, इसमें ये भजन भी मैं करती हूँ जैसा भी टाइम लगता है। और ये देखिए ये भगवान कृष्ण की एक ये किताब है, मतलब बहुत सारी हैं ऐसी। और ये देखो सनातन धर्म के बारे में जो हमारे गुरुदेव की किताब है, ये मैं वृंदावन से लेके आई थी, इसमें ठाकुर देव के नंदन ठाकुर जी महाराज उनसे मैं दीक्षित हूँ जिनसे, ये भी उन्हीं की किताब है। ये भी मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ कुछ ना कुछ भाई मैं ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे किताबें खरीदने का और पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और घर में अगर आप ना भी पढ़ पाओ तो आपके घर में किताब रखी भी है उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि आप पढ़ते हो, तो आपके घर में सारी किताबें ऐसी होनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे पास सारी किताबें होनी चाहिए। ये देखिए गीता ज्ञान अमृत, ये देखिए ये भी मेरे पास है। और ये मैं रोहतक जब हमारे गुरुदेव ने लाइव जब भागवत की थी तो मैं रोहतक भागवत में गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, ये नहीं मेरे ठाकुर जी की किताब है ये भी इसमें भी मतलब इसमें गोपी गीत और बहुत सारी इसमें भजन कीर्तन और बहुत अच्छी अच्छी इसमें बातें बता रखी है हमारे गुरुदेव ने, जो हम वो भी इसमें इसी किताब में पढ़ती हूँ। और ये देखिए ये है दुर्गा सप्तशती, ये भी बहुत ज़रूरी है जो मतलब नवरात्रे जो भी रखती हैं लेडीज या कोई भी हमारे सनातन धर्म में, तो देखो नवरात्रे तो हम रखते ही हैं तो ये किताब भी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास नवरात्रे में पढ़ने के लिए। और इतनी किताबें हैं भाई, इतनी किताबें हैं। और ये देखो ये बड़े शंकर की, इसमें शिवाष्टक रुद्राक्ष, ये सारी चीज़ें हैं भगवान शंकर की। ये देखो कल मैं शीतला माता पे गई थी तो मैं वहाँ से भी ये किताब लेके आई थी, मतलब मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना मैं किताब तो पढ़ने के लिए ज़रूर ही लेके आती हूँ। ये देखिए एकादशी, जो कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, दोनों एकादशी करती हूँ मैं, तो ये एकादशी की एक मेरे पास एकादशी की भी दो किताबें हैं। और ये है लड़की पढ़ती है मेरी ये जैसे, और ये सरस्वती गायत्री चालीसा है, ये लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बच्चे मतलब कोई भी पढ़ सकते, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है ये, विद्या की देवी है, ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और दिखा देती हूँ मैं आपको
बहुत सारी हैं, ये शनि चालीसा भी है, ये छोटी छोटी मतलब सारी किताबें हैं, ये दुर्गा चालीसा भी है, हनुमान बाहुक। अगर आप मतलब जैसे कि कोई बीमार हो जाता है तो कुछ भी है, इसमें हनुमान बाहुक के बारे में लिख रखा है। ये पाठ बहुत अच्छा रहा है, ये पढ़ना चाहिए, हनुमान बाहुक का, हनुमान जी का। और मैं गई थी खोड़ी धाम भाई, तो वहाँ से भी मैं और कुछ लेके आई या ना लेके आई, लेकिन मैं किताब ये जरूर लेके आई। ये देखो मोहन बाबा राम जी की, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी किताब। और दिखाऊं मैं आपको, ये एकादशी की मेरी ये है, और सबसे मेन मेरी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आ जाऊंगे भोले बाबा के दिन, शुरू हो जाएंगे ये, अब मतलब सावन लग जाएगा, तो सावन में मैं शुरू करती हूँ ये शिव महापुराण, जो कि आपके घर में बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। ये शिव महापुराण जो है, ये मैं कर, ये कम से कम 6 महीने भी लग जाते हैं इसको पूरी करने में, लेकिन मैं एक बार तो कर चुकी हूँ। मैं सावन में, जैसे ही सावन चालू होता है, मैं तभी मतलब शुरू करती हूँ। तो आपके घर में ये ग्रंथ जरूर होने चाहिए। और मेरे पास ये गरुड़ पुराण भी है, जो कि जैसे अब हमारे ससुर जी गुजर गए थे, तो 13वीं के अंदर अंदर जैसे गरुड़ पुराण हमें कर लेनी चाहिए, जिससे उनको मुक्ति प्राप्त हो। हमारे जितने भी पितर हैं, अगर हमारे पास ये गरुड़ पुराण है, तो उनकी सबकी हम घर बैठे ही उनकी मुक्ति कर सकते। और भाई बहुत से लोग, सही बताऊं ना, इस गरुड़ पुराण को देख के डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? वो सोचते हैं कि भाई गरुड़ पुराण तो जब कोई मर जाता उसके बाद घर में रखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए या किसी पंडित को बुला के पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर आपके घर में गरुड़ पुराण है तो वो बिल्कुल भी अशुभ कभी हो ही नहीं सकती। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आपका जीवन ही बदल देंगे। आप, मैं सही बताऊं तो आप अगर बुरा भी करना चाहोगे तब भी आप किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, आप जरूर इसको अपने घर में रखना। और मैं सबसे मेन दिखा देती हूँ आपको ये श्री रामचरितमानस, ये देखो ये है रामायण, ये भी मैं पढ़ती हूँ। मतलब तकरीबन मेरे पास सारे ही ग्रंथ हैं, और मैं इन्हें धीरे धीरे एक एक दो दो करके पढ़ती रहती हूँ। जैसे जैसे समय होता मैं पढ़ती हूँ भाई। और आज मैं ये वीडियो अपने भगवत गीता की चर्चा में लग गई, तो आपको अगर मेरी ये भगवत गीता और मेरी जितनी भी किताबें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ उनके लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और राधे राधे।